हेलो प्रेम, फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, बिहार पुलिस में जो है फिलहाल अपडेट मैं आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड में आई है वैकेंसीज का ऑनलाइन जो है अभी स्टार्ट हो गया है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है 1 जनवरी से। और एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूँ जो आप देखने को मिल रहे हैं। आपको कहीं से आपको न्यूज़ पता होगा कि 24,000 वैकेंसी आने वाली है, तो उससे जुड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको BSSC से जुड़ी और CSBC से जुड़ी का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पे ये न्यूज़ जो है छपा हुआ। यहाँ पे देखिए, मैं दैनिक जागरण का ये देखिए आपको ई पेपर है, जहाँ पे बिहार में जल्द ही 24,000 दरोगा और सिपाही की बहाली, जिसमें 20,000 दरोगा और 4,000 सिपाही की जो है बहाली। सॉरी दोस्तों, हम उल्टा बोल दिया, यानी कि 20,000 सिपाही का, अगर सिपाही की बात करें तो इसमें 20,000 है, और दरोगा की अगर हम बात करें दरोगा का, तो इसमें जो है 4,000 वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए, इससे जुड़ी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ। यहाँ पर देखिए, राज्य में जल्द ही दरोगा और सिपाही के करीब 24,000 जो है पदों की पर बहाली होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें पुलिस मुख्यालय इसको लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभी जिलों में सिपाही और दरोगा की खाली पदों पर श्रेणीवार रोस्टर तैयार करने की मई के अंत तक जो हाल ही में भेजने का निर्देश दिया गया है। और भी इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए, 20,000 सिपाही और 4,000 दरोगा का जो है वैकेंसी आने वाली है। सभी जिलों का में जो है ये रजिस्टर प्राप्त करने के बाद इसका मुख्यालय में भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 35% जो है आरक्षण जो है वुमेन कैटेगरी को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, 35% आरक्षण जो है अब वुमेन को मिलेगा। बहाली में 35% आरक्षण सरकार ने पहले ही महिलाओं के आरक्षण की घोषणा कर रखी है, लेकिन इसमें भी अलग से आपको 35% दे रहा है। नई तरीके से इस बार जो है सिपाही की भर्ती होगी, पहले लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग, शारीरिक परीक्षा के अंक पर चयन, यानी कि फिजिकल जो PET होता है उस पर आधारित आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद पहले तो रिटेन होता है, उसके बाद PET होता है, तो इसमें कुछ फिजिकल में भी यहाँ पे चेंज किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, नई व्यवस्था में सभी वर्ग बहाली के लिए उम्र में 2-2 वर्ष की जो है छूट होगा, यानी कि 2 वर्ष जो है माइनस इस बार रहेगा, यानी कि 2 वर्ष की छूट रहेगा। उसके बाद फिजिकल में भी कुछ अलग नियम आ सकता है। विभिन्न पहलुओं यानी दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद के अंक तय किए गए हैं। इन्हीं अंकों के बूते पर मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि फिजिकल के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसा कि पिछली बार हुआ है। बिहार में जवानों की भारी कमी है, 1 लाख लोगों पर सिर्फ 70 पुलिसकर्मी है, लेकिन अब जो है यह जो है होने के बाद, यानी कि 20,000 सिपाही और 4,000 दरोगा का बहाली जो हो जाएगा तो 150 तक हो जाएगी, यानी कि 1 लाख आबादी पर, 1 लाख अगर आबादी है दोस्तों तो उस पर जो है 150 पुलिसकर्मी हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें न्यूज अभी आ रहा है, जैसे इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल अभी इसका जो है न्यूज़ में ही आ रहा है, जल्दी इसका वैकेंसी आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाले वैकेंसी के बारे में अपडेट मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी का अप टू डेट आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।